बोलो शंकर भगवान की जय। तो देखो राजा बीछल देके सात लड़की जी रोजीना राजा सात लड़कियां ने नंबर वाइज बैठा और रोजीना या बात पूछ तो राजा घमंडी जो अहंकारी जो अपने आप ने ज्यादा समझे जो बेटी होते कुणका बाग को खाओ जो तो छह लड़की तो डर की मारी या खेती की पिताजी में तो था काई बाग को खावा जा और छोटी छोटी लड़की को नाम जो पद्मा तो वह काई खेती की पिताजी मैं तो माराई बाग को खाऊं जो राजा रोजी नहीं पूछ तो वे छह तो या खेती की था का बाग को खावा जा पर पद्मा भी जबान न कौन छोटी व छोटी छोटी लड़की की पिताजी मन तो सब कुछ मारा बाग को ही मिले जे मारा बाग को ही खाऊं जो राजा ने एक दिन गुस्सा को की पद्मा तू इस जबान न छोड़ दे जागर मन गुस्सा आगो ने तो मैं थारा बाग की परीक्षा ले लूंगा तो बड़ी अन्याय हो जाएगी कि पिताजी एक बार पूछो तो भाई बात चे हर हजार बार पूछो तो भाई बात चे मन तो मारा बाग कोई मिल रही ठीक तो ठीक तारा बाग ने आजमाऊ जो मैं मीठा मीठा चाल बाती जो पिताजी खाऊं मारा भाग को रे बातें जोर ले हो पिताजी खाऊं मारा भाग को रे बातें जोर ले पिताजी अर्जी करूं राजा बीछल दे की बात सुनो संत अर्जी करूं राजा बीछल दे की बात अजी वो हर को अभिमानी भी के कन्या जन्मी साथ बोहर को अभिमानी भी के कन्या जन्मी साथ वा बेटिया से बयान करा तो उठ सुबह प्रभात वा बेटिया से बयान करा तो उठ सुबह प्रभात और उनका भाग को खाओ थे रोजीना भोजन भात उनका भाग को खाओ थे रोजीना भोजन भात था का भाग को प्रताप जाऊ बड़ा होर मैं पिताजी हो पिताजी खाओ भाग दो रे भागे हे अरे पिता
सबसे छोटी पद्मा बाई बोल सुनाई राग। सबसे छोटी पद्मा बाई बोल सुनाई राग। अर था की हिम्मत नहीं पिता दी छे मारो यो भाग। था की हिम्मत नहीं पिता दी छे मारो यो भाग। बिना भाग कुछ नहीं मिलता था को कोनी था। बिना भाग कुछ नहीं मिलतो था को कोने था। अर मारा भाग को पाऊं पिता दी रोटी कपड़ो साग। मारा भाग को पाऊं पिताजी रोटी कपड़ो साग। सुनिए पद्मा मारी बात देखू थारा तोर ने पिताजी। हो पिताजी खाऊं मारा भाग तोर बाते जोर ने। सुनिए पद्मा मारी बात देखू थारा तोर ने पिताजी खाऊं मारा भाग तोर बाते जोर ने। पिताजी खाऊं मारा भाग तोर बाते जोर ने। रे बाते जोर ने रे बाते जोर ने। पिताजी खाऊं मारा भाग तोर बाते जोर ने। पिताजी खाऊं मारा भाग तोर बाते जोर ने। 501 रुपया सुरेश जी। अच्छा हाल तई पूरी बात को नहीं तो कोई बात को नहीं कुंदरू सुबह दे 501 रुपया गणेश जी सैनी की तरफ से। बिल्कुल सही बात चल गया। बिल्कुल सही जी साहब। बोलो शंकर भगवान की जय। तो राजा पद्मा की परीक्षा ले रहे हो जे। चार सिपाही ने बुला लिया कि भाई आज मनी पद्मा को बाघ देखनो जे। तो आपने सुबह पहली इस दरवाजा को ऊपर जार बैठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त को टाइम हो जाए सुबह 4 से 5 बजे तक को टाइम ओ ब्रह्म मुहूर्त हो जाए जिसमें भगवान की आरती हो वो करे जाए यो जे ब्रह्म मुहूर्त। तो को जाए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के मायने यानी ब्राह्मण बोलो अहिया भी खेचा अपने तो भी दरवाजा को ऊपर जार बैठ जाओ। जो भी था न जानवर पशु पखेरु आदमी कोई भी प्राणी मिल जाए न पहलो प्राणी विन थे पकड़ मारे गने लियाओ मनी को बाघ देखनो जाए। हाँ जी राजा मंत्रियों को आज्ञा दीनी मेरा हुक्म निभाओ। मंत्रियों को आज्ञा दीनी मेरा हुक्म निभावो। अरे तू मत बोले तो यार चुकला रही क्यों तू बोले ही क्यों। राजा मंत्रियों को आज्ञा दीनी मेरा हुक्म निभाओ। इन तो खोल यार। हेलो 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 बोलो जना तो हाल ही लो यार। राजा मंत्रियों को आज्ञा दीनी मेरा हुक्म निभाओ। राजा मंत्रियों को आज्ञा दीनी मेरा हुक्म निभाओ। जाओ सुबह वक्त कोई मिले प्राणी पकड़ी यहाँ ले आओ। सुबह वक्त कोई मिले प्राणी पकड़ी यहाँ ले आओ। जानवर हो चाहे आदमी ते दिल शंका ना लाओ। जानवर हो चाहे आदमी ते दिल शंका ना लाओ। और पहला जीव दरवाजे पावे जल्दी पेश कराओ। पहला जी दरवाजे पावे जल्दी फेस कराओ। चार सिपाही भेज दिया होता ही भोर ने पिताजी। पिताजी हर चार सिपाही भेज दिया होता ही भोर ने पिताजी खावर मारा भाग गोरे बाजे जोर ने। पिताजी खावर मारा भाग गोरे बाजे जोर ने। और
चारू सिपाही दरवाजा को ऊपर जार बैठ जाए छे सुबह पहली। एक मोर मिलगो वो भी कोडी, अरे एक टांग से लंगड़ो। चारू जना के आत्मा में बड़ो दुख यो कि पहलो प्राणी यो मोर मिलियो जे, और यो भी कोडी जे बीमार हो रियो जे, हर एक टांग से लंगड़ो और जे। लेकिन आपा इन्हें छोड़ चाला, और आपने चार जना में से कोई चुगली खा जाए तो राजा आपने जान से खत्म करवा दे। पहले का समय में राजा लोग सजा भी तगड़ी देता था। तो कुछ जो कुछ हो सो हो बाई को भाग ई मोर नहीं ले चालो। तो वे चारी जना ले जा और राजा बिछल देने। बिया राजा को नाम विशाल सिंह थो, पर आपने ढूंढाड़ी भाषा के मायने बिछल दे राजा खे भोगरे। तो राजा ने ले जा और पेश कर दियो कि महाराज पहलो प्राणी यो मोर मिलियो छे। राजा पद्मा ने बुलार खेचे कि ले पद्मा अब भी मारो खेबो मान जा, थारा बाग के मैन जहां यो मोर लिखे जे। लेकिन पद्मा जिद ने छोड़ी। वे चार सिपाही चाल्या आया भुजा जोर में तगड़ा, चार सिपाही चाल्या आया भुजा जोर में तगड़ा। अरे यो राजा अन्यायी देखो करता उल्टा झगड़ा, यो राजा अन्यायी देखो करता उल्टा झगड़ा। एक मोरिया पाया वहाँ पर झटी उसको पकड़ा, एक मोरिया पाया वहाँ पर झटी उसको पकड़ा। और गया मंत्री घबरा मोरिया एक टांग सुन लंगड़ा, घबरा गए मंत्री मोरिया एक टांग से लंगड़ा। पर हुक्म नहीं टाड़ो राजा को पकड़ो मोर ने पिताजी। फेरा की सामग्री तैयार करवा दीनी। हाजी की पद्मा को मोर की साथ के मायने ब्याह कर दियो जाए। पद्मा की माना खबर लागे जाए तो रोती बिलकती दरबार के मायने चलेगी। हे पति दे थे यो कहीं अन्याय कर रिया छो महाराज, या ना बालक जाए इनका खेबा सु महाराज। आ तो जिद कर मेली जे टाबर जे, अरे महाराज कुछ दया करो, दिल में रहम करो महाराज। थे जानवर की साथ के मायने ही मोर की साथ में पद्मा को ब्याह मत करो ने महाराज। मारी पद्मा ने मैं मोर की साथ में कौन परना बाजूंगी। काई खरी थे पद्मा की माँ। मारी पद्मा बाई ने जी, मारी पद्मा बाई ने मोरिया ने कोने परना। मारी पद्मा बाई ने जी, मारी पद्मा बाई ने मोरिया ने कोने परना। मारी पद्मा बाई ने जी, मारी पद्मा परणाम कोने
पद्मा बाई क्या ते गणी हरी। अरे तू बेटी बारी पद्मा बाई आये छाती भर भर आवे मारी बेटी रोऊ भी खड़ी खड़ी। आये छाती भर भर आवे मारी बेटी रोऊ भी खड़ी खड़ी। छाती भर भर आवे मारी बेटी रोऊ भी खड़ी खड़ी। आये मारी काया तरस पद्मा काया तरसे ये बेटी मर जाऊं। मारी काया तरसे ये पद्मा काया तरसे ये बेटी मर जाऊं। मारी पद्मा बाई ने जी मारी पद्मा बाई ने बोरे बोरे परना राजा खेचे रानी ने कि ले रानी हा कम उतर जाए पर हुकम कौन डाले जबान से मैं खेती नीक तो ही का मोर की साथ में ही फेरा ओला। अज सुन जो जी मारा पति देवता भाई तरप मत जाओ। अज सुन जो जी मारा पति देवता भाई तरप मत जाओ। पति देवता भाई तरफ मत जाओ। यो ओझले आंसू पड़ता यो मोर मती परणाओ। यो ओझले आंसू पड़ता यो मोर मती परणाओ। यो ओझले आंसू पड़ता मोर टलता राजा का हुकम नहीं टलता राजा का ये रानी तन फरमाओ। हुकम ना टलता राजा का हुकम ना टलता राजा का ओ रानी तन फरमाओ। भाई पद्मा बाई ने जी मारी पद्मा जी वीरा
पानी की काया जलती जी जिया भी पहाड़ में धानी वीरानी की काया बढ़ती जिया पहाड़ में धानी वो वीरानी की काया बढ़ती जिया पहाड़ में धानी मारा अलख लाग गाए अलख लाग गाए महल से पड़ जा मारा अलख लाग गाए अलख लाग गाए महल से की गाऊ बारी पद्मा बाई ने की बारी पद्मा बाई ने पद्मा बाई ने बोलिया ते कोने परना क्रिया बाई की तरफ से 101 बोलो शंकर भगवान की जय। तो महाराज राजा रानी ने दमखा दे चले रानी मैं खेदी की जी बात ने पक्की मान ले आज जिद्द ने छोड़ेगे तो मैं भी जिद्द को न छोड़ूंगा ऐ मोर की साथ में फेरा करवा दिए राजा। सुबह दिन उगताई राजा पद्मा ने देख रखे चले पद्मा अब भी बलो दिन चावे तो कोई बढ़िया सो दान दहेज मांग ले। पद्मा देखर बोली कि पिताजी ई मोर के कौन सा महल जाइयो वा महिला में ले जार भी डाई जाने मिलू ली मन तो कुछ भी कौन चाहे। राजा ने और भी गुस्सा आगो सिपाही ने हुक्म दे दियो कि न अहिया की जगह जंगल में ले जार छोड़ो कि अन्न तो कहीं पर जल का भी दर्शन न हो मणि को बाग देखनो छ। तो पद्मा जाबा लागी ने जना पद्मा की मारोबा लागी पद्मा मान देकर के चले मां तू रोवे मत मारा बाग के मानी यो मोरी लिखे जो तो कहीं खरी जे पद्मा माने मारा श्री माथा को पाद मारी मोरी अरे मारा श्री माथा को पाद मारी मोरियो मारा श्री माथा को पाद मारी मोरियो 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 मोरियो
संग परना दी। अरे भाई ने भोरिया संग परना दी। शोक माचो घर घर में चूल्हा तक कुंजड़िया, लोग अनपानी को त्यागन कर दियो कि राजा बड़ी अन्याय कर दी नहीं। बाई ने विकट बनी मैं ले गया, बाई ने विकट बनी मैं ले गया। हरि नारायण जी बाप लावत की तरफ से 101 रुपया। बोलो शंकर भगवान की। तो महाराज अहिया की जगह जंगल में ले जा छोड़ी वे सिपाही, अन्न तो कहीं पर चल का भी दर्शन को निया। वो जानवर जो वो मोर एक पेड़ से उड़ दूसरा पेड़ पर बैठ जाए, तीसरा पेड़ पर बैठ जाए, खाना कोई डूंगर की चोटी पर जार बैठ जाए, तो पद्मा भी की साथ साथ भागती जा रही है, हर रोती जाए। पानी को न मिलो, अरे भाई ने अन पानी को न मिलो, हो भाई ने अन पानी को न मिलो, हो भाई ने अन पानी को न मिलो, अरे भाई ने अन पानी को न मिलो। दिन सात रात गुजार मामारी मोरी, और दिन सात रात गुजार मामारी मोरी, मारा फिर माता को तात मामारी मोरी, मोरिया बाप मोरियो ए बाप मोरियो, मारो इस पति बरसार भगवान की जय। तो महाराज पद्मा ने भी जंगल के मायन 7 दिन होगा अन्न पानी को त्यागन कराया हुआ। 7वीं रात आधी रात का समय में वो मोर एक नीम की डाली के ऊपर बैठे हुए, जो पद्मा नीचे छाया में बैठी थी नीम का पेड़ के नीचे। आंधी को एक अहिया को भयंकर तूफान आयो,
तो भी तूफान से में मोर नीचे पड़ गो, हर मोर का पड़ता पड़ता का प्राण निकल गया, खत्म हो गो मोर। पद्मा बहागर उठा अरविंद गोदी में ले थे तो काना के मैन फूंक दे जे, बिन खूब हिलावे जे, लेकिन वो अठी की नाड़ अठी न रठी की नाड़ अठी न कोई टमटमावे, हर भी का दिल को दड़को व सांस की गति ची की जो बंद हो गई। तो पद्मा भी जंगल के मैन छाती माता कुलटरी जे के भगवान इ मोर का आसरा से मैं अनपानी को त्यागन करे, अरे जंगल के मायन है मोर की साथ साथ मारो समय गुजार रही जी, भगवान आज थे मारा ही मोर ने भी खोस ली। तो पड़मी की भी जंगल के मायन है सुन बालो कौन सो मारा श्री माथा को ताज मारी सागरमल जी मास्टर साहब कोटी वाला की तरफ से 101 रुपया बोलो शंकर भगवान की जय। तो महाराज रोता रोता दिन हो गया यो पद्मा ने, आखिर में पद्मा के सत छड़ायो, चौतरफ से लकड़ी चुने हर चितो बना, हर भी मोर ने गोदी में ले, हर सतियो बताई सूर्य भगवान उदय होगा जा। तो सूरज भगवान ने प्रार्थना कर रही है कि सूर्य भगवान अगर मैं सपना में भी पराया पुरुष को ध्यान न करियो है तो मारा इस चिता के मायने आग प्रकट कर दियो, जो मैं मारा ही मोर पति की साथ में सती हो जाऊं। काई खरी जे सूरज भगवान ने अजी बाई जी सूरज देव ने अर्ज कर, अरे बाई जी सूरज देव ने अर्ज कर, पद्मा सूरज देव ने अर्ज कर, अग्नि दान दाता मारी मोरी
जगदम्बा भगवती की जय। तो महाराज बटिन शंकर भगवान और पार्वती जी मृत्यु लोक के मायने गुम्बा नागा घूमता घूमता भी जंगल मागा जठे पद्मा भी मोर ने गोदी मिले चितो छुने और सती ओ बताई सूरज भगवान ने प्रार्थना कर दी। पार्वती शंकर भगवान ने देखकर कहते कि शंकर भगवान वो तो बहुत ही विकट जंगल जाए अनेक प्रकार का खतरनाक जंगली जानवर जाए आदमी को तो नाम निशानी होने। हाँ कि पार्वती लेकिन सुनो शंकर भगवान अब अठिन जाओ ये विकट जंगल के मायने एक औरत बैठी हुई है चितो चुन मेले से हर एक जानवर ने मोर ने गोदी मिले हर ये हाथ जोड़ कुण ने कहीं प्रार्थना कर रही थी। शंकर भगवान हसबा लागा की ले पार्वती यो मृत्यु लोग जाए अनेक प्रकार की रचना देखबा ने मिले ली तन तो भी की बताओ तो सही कि आया एक राजा छो बिछल दे राजा बी के सात लड़की जी तो राजा रोजी ना सातू लड़किया ने यह बात पूछतो कि बेटी तू तो कुण का बाग को खाई छे तू कुण का बाग को खाई छे। तो वे छह लड़कियां तो यह कहती कि पिताजी मैं था काई बाग को खावा जा और यह छोटी छोटी लड़की छे इको नाम छे पद्मा तो यह कहती कि पिताजी मैं तो माराई बाग को खाऊं जो। तो राजा गुस्सो खा और इन मोर की सातम परना दी जंगल के मैंने छोड़ दी नी सात दिनों गाज अन्न पानी को त्यागन करया और आज रात में आंधी को एक अहिया को तूफान आयो तो भी तूफान से वो मोर खत्म हो गो। तो जहां पार्वती भी जानवर ताई भी मोर ताई सारी रात भर रोती सारी रात भर रोती रही जया और अभी के सत छड़ायो सतियो बताई। तो चौतरफ से लकड़ी चुने और चितो बना और अब सूरज भगवान ने प्रार्थना कर रही जे के सूरज भगवान अगर मैं सपना में भी पराया पुरुष को ध्यान न करियो है तो मारा ही चिता के मायने आग प्रकट कर दियो जो मैं मारा ही मोर पति की साथ में सती हो जाऊ। शंकर भगवान देखकर खजे पार्वती देखकर बोली कि शंकर भगवान कमाल होगी बोलो ये भारत की धरती के ऊपर आया की भी औरतां छे बोलो ये जानवर नहीं पति मान लियो और फिर यो खत्म हो गो तो इनका साथ में सतियो बने भी तैयार हो रही जाए। तो पार्वती भी हाथ जोड़ नमस्कार करे जाए कि शंकर भगवान आज तो एक बहुत ही पतिव्रता औरत देखबा ने मिली अहिया की औरत संसार में कोई बिरली होली बहुत ही जोरदार पत्नी पतिव्रता औरत का दर्शन करवाने मिलिया। हाँ कि पार्वती बिल्कुल सही बात अहिया की औरत मिलबो असंभव काम लाजा चाला आगे कि नहीं शंकर भगवान बोल इनका कहते बाग की बात तो रही गुण शंकर भगवान तो कहते कहीं करा वे कि बठेई के पास में चालो और जाखो मैं बताऊं सो काम करो इका मोर ने सर जीवित कर दो और इनकी आदमी की देही बना दो और काल नहीं के दाग ने लाग जाए मोर की निशानी भी राख दो शंकर भगवान और इस जंगल के मायने नगरी बसा दो एक हर भी कोई ने मोर धज राजा और इन पद्मा रानी बना दो राजा का सा ठाट बाट कर दो कोई भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। लातो की पार्वती कमंडल में से उठार भी मोर के अमृत को छांटो दे जे तो खट आदमी की देही बनगी। मोर का शीश को ऊपर जो कलंगी हो वो करे जने वह कलंगी राख दी नहीं
हर भी जंगल के मान नगरी बसा दी नी शंकर भगवान भी को नाम निकाल दियो मोरागढ़ नगरी वी के मायन मोरा को निवास ज्यादा चो मोर ज्यादा चा तो मोरागढ़ नगरी नाम निकाल दियो और राजा का सा ठाट बाट कर दिया और विन पद्मा रानी बना देनी तो कया का ठाट बाट होगा। हाँ जी अजी पार्वती के सुनो स्वामी मेरा हुक्म निभाओ पार्वती के सुनो स्वामी मेरा हुक्म निभाओ इसका मोर पति सरजीवत कर दो मानुष देई बनाओ मोर पति सरजीवत कर दो मानुष देई बनाओ अजी दाग नहीं लागे बाई के कलंगी शीश दिखाओ दाग नहीं लागे बाई के कलंगी शीश दिखाओ और मोर पति से करो मोर धज राजा राज तिलक दिल मोर पति से करो मोर दज राजा रा तिलक दिलवाओ शिव शंकर जी मेट दियो पिता का घोर ने पिताजी हो बागल्या खाऊं मारा भाग तोड़ बागे जोर हो शिव शंकर जी मेट दियो पिता का घोर ने पिताजी खावर मारा भाग तोड़ बागे जोर ने पिताजी खावर मारा भाग नरपाल बनाया दे शंकर वरदान मोर धज नरपाल बनाया दे शंकर वरदान और सर्व सुख आनंद विराजे भाग बड़ा बलवान सर्व सुख आनंद विराजे भाग बड़ा बलवान अजी हाथी घोड़ा और दासियां दरवाजे दरवान हाथी घोड़ा और दासियां दरवाजे दरवान और सुवर्ण सेती महल देखो दया धर्म पुनवान सुवर्ण सेती महल देखो दया धर्म पुनवान और धर्म ज्योति फैली देखो ऐसी ठोर ने पिताजी शंकर वरदान सर्व सुख आनंद विराजे भाग बड़ा बलवान हाथी घोड़ा और दासियां दरवाजे दरवान और सुवर्ण सेती महल देखो दया धर्म पुनवान धर्म ज्योति फैली देखो ऐसी ठोर ने पिताजी खाऊं मारा बाग को रेबा दे जोर ने हरि नारायण जी का बड़ा भाई माधोलाल जी कोटी वाला की तरफ से 101 रुपया बोलो जगदम्बा भगवती की जय।
तो सब प्रकार का ठाट बाट कर दिया। मोर धज राजा और पद्मा रानी भी मोरागढ़ नगरी का राजा हो। बठी ने पद्मा की आत्मा का श्राप से वह मां बापा का राजपाट दुश्मन छीन लिया। कोई दूसरा देश को राजा कब्जो कर लियो, अरे राजा रानी अर बच्चों बहना आपकी जान बचा। हर जंगला के मायने बागता भीग मांगता खाता खाता बी नगरी के मायने आगा मोरागढ़ नगरी। पद्मा महल के ऊपरा ने सैल कर री जी तो वह ने आता देख, अरे आपका मां बापा ने कौन कौन जाने, हरे गज ए तो अपना मां बाप चेरी अपनी बहना ची, अरे तो भिखारी होगा कर्म का कारण। सिपाह ने हुक्म दे चे पद्मा कि जाओ यान सब का सब ने गिरफ्तार कर रखे लिया। तो साहब खट पुलिस पहुंच गई साहब, हर बार सब का सब ने गिरफ्तार करे और मंगवा लिया। पद्मा ने देख हाँ कि छे तो अपना माँ बाप ही है रही अपनी बहना चे, वे तो कौन जाने बातो रानी महारानी हो रही जी, पण पद्मा जानगी। नौकर चाकर दास दासियां बांध्या ने लगा दीनी कि भैया ने नीला दूला अरिया ने नया कपड़ा पहरा दो, राजा साई ठाट का और भोजन की तैयारी करो। तो बने बे बिचारा गणी हाथा जोड़ी करी कि महाराज मैं कोई चोर डाकू गुंडा बदमाश कौन, महाराज मैं तो भिखारी जा भीख मांग रखा जा, अर मान महाराज कोई सजा मत दियो, गिरफ्तार क्यों करिया जो महाराज मान छोड़ दियो जाबा दियो। पर वो तो रानी को हुक्म छो ने बन नीला दुला राजा साई ठाट का कपड़ा पहरा दिया जना, राजा रानी ने देख करके चले रानी चिंता की तो बात को न, ऐ तो कोई धर्मात्मा राजा रानी छे भिखारिया ने दान कर रिया जे। चांदी सोना का थाला में 36 प्रकार की राजा की सी तैयारी आ गई साहब, भोजन जीम बोलो महाराज की भोजन जीमो। पद्मा सामान बैठ जाए, राजा ने गेल का दिन याद आगा कि आज आप काई रचना देख रहा जा, कोई दिन आपनी काई समझी कि आपा राजा जा और आया का कपड़ा भी पहरे जा, आया को भोजन भी खाए जा, आया का मेला में ही रह जा, सब प्रकार का आनंद सा, और आज आपा भिखारी हो। तो राजा रोबा लाग गो। थोड़ी देर बाद में आंसुआ ने पहुंचे अर किलो भाई भोजन जीमो, तो भोजन जीमबा लगा सबे, राजा गास उठार खाबा लागो ने जना पद्मा बागर बाप को हाथ पकड़ लिए, पिताजी जाको मारो भाग, देखो मारो भाग काई जोरदार थाने में खेची ने कि मैं तो माराई बाग को खाऊं। तो राजा को दिमाग पागल की जी हो रही जो मां तो काम कौन करे कि भाई तू काई खेरी जब मैं तो थारी बात समझो कौन है, तू कौन छे काई छे का ठीक मैं तो समझो कौन। पद्मा की मां जानगी अरे गजा आपनी या वा छोरी जे जो मोर की सातम परनाई, तो गुस्सो खा खड़ी वेर पद्मा ने दम खारी जे कि पद्मा अरे रांड तन भी मोर की सातम परनाई जी, अरे भी मोर ने तो तू मार दियो या छोड़ दियो, अरे आज ही तू राजा की रानी बन गई, कुटम के दाग लगा दियो, तू मारा दूजन लजा दियो। पद्मा हसवा लागी। राजा मोरदज ने बुलावे जे कि पतिदेव उठाओ, पास के मायने बैठा और मुकुट उगाड़ और वह कलंगी दिखावे जे कि ले मां हे पिताजी जी मोर की साथ में थे मन परनाई जी ने, यो वो ही मोर जे
ई प्रकार से सातवीं रात यो मोर खत्म हो गो जो मई का साथ में सती हो री जी अया शंकर भगवान और पार्वती जी आगा पार्वती जी मारे ऊपर दया विचार और इन्हें मोर से आदमी बना दियो और मारे दाग ने लाग जाए ई कारण से या माथा के ऊपर मोर की कलंगी और माँ हे पिताजी या नगरी भी वहीं की बसाई हुई जय शंकर भगवान की और यो मारो मोर धज राजा और मई की पद्मा रानी जो तो सारी बात सुने और माँ बाप पगम पड़गा हाथ जोड़ लिया कि बेटी तू माफ कर मैं माँ की करी सो बरी रोबा लागा पद्मा देख रखे जे की पिताजी हे माँ कोई भी बात की चिंता मत करो वी बातन तो ते भूल जाओ और भक्ति के मायने शक्तियों वो करे जे आज का समय में तो दो ही भगत जय और बाकी सब माया का कीड़ा जय दो भगत कौन सा औरत का और दौलत का ए भगत पक्का जय और भगवान का तो ये नाम मात्र सो काम जग लिया और या फार वल्टी सी जे भी हकीकत को सुबह पहली उठ को यहाँ कौन गए भगवान ने कि भगवान में सारा घर का था सारी संपत्ति ने थारा नाम के ऊपर लुटा और बाबा जी बन जावा अरे राम राम ऐसी बात तो कोई खो निकल मुंडा से तो भगवान का भक्तों की जनसंख्या कम हो गई तो ते तो भगवान की भक्ति करो भक्ति करवा से देवता के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सके तो वहां को वो जो गयोड़ो राज छो ने तो राजा का जो सेनापति मंत्री वहां की सेना छी ने भी राजा ने मार पीट बगा दियो साहब नगरी सु अरे ढूंढता ढूंढता भी मोरागढ़ नगरी में आगा की लियो महाराज यो था को राजपाट संभालो महाराज मैं था का अंग रक्षक छा और महाराज यो थोड़ा दिन ताई था ने कष्ट मिलियो तो कोई कर्म का कारण से छो अरे यो था को राज संभालो महाराज भी राजा ने बगा दियो जमी महाराज तो वहां का गयोड़ा राजपाट ही वापिस मिल गया और अठीन भक्ति का प्रताप से नवे में नहीं पद्मा के एक लड़को जन्म ले जाए जी को नाम निकाल दियो रतन कंवर बटी ने शीर समुद्र के मायने भगवान सूता हुई आजा रुक्मण जी भगवान का पैर दाबरी अर्जुन दर्शन करवा वास्ते चले गो अर्जुन जाता ही भगवान बैठा होगा आ भाई की अर्जुन अर्जुन हसबा लागो को जब भगवान बार था नींद आ रही जी कहीं कहते हाँ तो कुत्ता का ये होट तो चालू चाहिए जहाँ कोई उसमें बात कर रहा है जी हाँ कहते अर्जुन सही है मैं भगता की माड़ा फेर रही है तो महाराज तांगी तो दुनिया फेरे जे हर ते भगतां की फेरे जो कछ भाई सीधी सी बात छे जो कोई मारो ध्यान करे छे तो मने भी को ध्यान करनो पड़े छे कछ तू मने तो मैं तने हर तुम हमारे को नहीं समझते तो हम भी तुम्हारे को कुछ नहीं समझते आज सीधी सी बात हाँ कछ भगवान बात तो सही है पर फेर तांगी माला के मायने भगता के मायने पहलो मणियो तो मारा ही नाम को हेलो था कि लिस्ट के मायने भगवान हसबा लाग का कजे नहीं अर्जुन थारे शरी का तो मोर घणो ही भगत से ना कि भगवान जितो था को नाम को सुमरण मैं करूं छो ने जिया को भगत मैं छो ने तो मारा मुकाबला को दूसरो भगत मिलबो मुश्किल जाए भगवान देखी रहे अर्जुन के तो गमंड छे अहंकार हो गई बात को तो ले अर्जुन आज तन मारो भगत दिखाऊ हाँ जब भगवान कोई अहिया को भगत दिखाओ
जो मैं भी मान जाऊं। ले बेटा मन दे दे, ले 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 बागे, जल्दी ले जल्दी ले जल्दी ले। ए थोड़ा सा क्यों ले रही बेटा, तू अटी ची ठा लेती। हाँ बार बार मैं टाबर से परेशान है। प्रिया इन कोई नाम से कहीं कहीं नाम से गुल्लू गुल्लू प्रिया प्रिया भाई की तरफ से 101 रुपया। बोलो जगदम्बा भगवती की जय। अभी देवी जय। एक साल की है जय जिन तो कह जग जब प्रथमम ब्रह्मचारिणी द्वितीयम है प्रथमम शैल पुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धि धात्री नव दुर्गा। तो ए बच्चा छे जो 9 साल तक की नव दुर्गा के मायना आवे जाए तो आस विशेष सावधान रहनु जाए। 10 वर्ष तक की लड़की के मायन दुर्गा को निवास वे जाए। हा तो काई बात खेरिया जा तो अर्जुन लाओ तन मारो भगत दिखाऊं। लो चालो तो भगवान एक भी भगत दिखा दो लाग मारे शरीर को मारा मुकाबला को वह नर सारा भगत हमें तो थान में मान जाऊं लो। आ जा तो आ जा गजर जन। तो दोनों जना साधु का भेष बना लिया संत और महंत दोनों जना बाबा जी बन गा डाडी जटा बदा लेनी और तू भी चिमटा कमंडे ले लिया भगवान कपड़ा पहन लिया तिलक छापा कर लिया गला के मायने माला डाल लेनी और धर्मराज जी ने बुला लियो और साथ में सिंह बना लियो नार। तो देखो अर्जुन ने भगत दिखा बताई भगवान मोरागढ़ नगरी के मायने आवाज लाओ कि अर्जुन तन मारो भगत दिखाऊं देख कया को। भगत खिलाड़ी ने दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने कृष्ण हो कृष्ण खै अर्जुन अवतारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने भगत खिलाड़ी ने दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने कृष्ण खै अर्जुन अवतारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने भगत खिलाड़ी ने दिखा दे भगत खिलाड़ी ने अजी साथी संग में चले स्वामी कर साधु का भेष साथी संग में चले स्वामी कर साधु का भेष और अर्जुन को जट संत बनाया कृष्ण मंत महेश अर्जुन को जट संत बनाया कृष्ण मंत महेश सिंह बलि संग माई चलता लंबा लंबा ने सिंह बलि बन माई चलता लंबा लंबा ने और मस्ती माई चलता पूछे जटाधार सिरकेश मस्ती माही चलता पूछे जटाधार श्रीकेश हो देश में मोर धजदा तारी दे मारी साथ में हो
चढ़ गए अर्जुन अवतारी में, तारी साथ में तार दिखाऊं भगत खिलाड़ी में, भगत खिलाड़ी में दिखाऊं भगत खिलाड़ी में, कृष्ण गए अर्जुन अवतारी में, तारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी में। चलता चलता आर ठहरता मोर धज के द्वारे, चलता चलता आर ठहरता मोर धज के द्वारे, अजी द्वारपाल जा कहीं भूप ने राजा संत आ गया थारे, द्वारपाल कहीं भूप से राजा संत आ गया थारे, अजी जट ही राजा नीचे आयो खुशी हो गई मारे, जट ही राजा नीचे आ गयो खुशी हो गई मारे, और भोजन नहीं पायो आया घूम घूम में सारे, भोजन नहीं पायो आया घूम घूम में सारे, हो ल्यारे भोजन भूख सतारी ने मारी साथ में, जे हो जे हो मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी, हो ल्यारे भोजन भूख सतारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने, कृष्ण के अर्जुन अवतारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने, भगत खिलाड़ी ने दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने, कृष्ण के अर्जुन अवतारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने, अरे भगत खिलाड़ी ने देव दे भगत खिलाड़ी ने, कृष्ण के अर्जुन अवतारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वार को प्रजार द्वारपाल ने खेजे कि भाई तारा राजा ने जार खबर कर दे कि दो साधु द्वार को ऊपर आया हुआ है, तारा राजा ने बोला। द्वारपाल जार राजा ने खेजे कि महाराज आपका द्वार को ऊपर दो साधु आया हुआ है और था ने बुलाओ जे महाराज। राजा भगवान को भक्त छो, मोर दज राजा भाग्यो भाग्यो जार चरणा में लौट जाए चे प्रणाम करे जाए कि बोलो महाराज हुकम दियो कि ले राजा थारो नाम सुन रहा था कि तू भगवान को भक्त छ, बोलो फरमाओ महाराज। तो कहे मैं दो दिन से भूखा था, भोजन को न खाए भोजन करा ला। बोलो महाराज कहीं रसोई बनवाऊं आपके लिए कि भाई पहली माँ की बात सुन ले, मन तो बलाई तू सूखो आटो दाल दे दे, दाल बाटी बनार खिला दे, पर माँ की साथ में योग सिंह जे इन नार को भोजन पहली ऊंचाई जी शेर को योद्धा पर खा ले गे जद बाद के मायने मैं भोजन के लिए हुक्म दिया था। महाराज इनकी तो चिंता छोड़ो आप शेर की, तो औरते तो था की रसोई बताओ मन पसंद कई रसोई बनाऊं कि राजा सुने यो नार छे जो कोई बकरा भैंसा को मांस खा बाड़ो बोलो तो कि थारे कोई संतान छे कहीं, हाँ कि महाराज एक लड़को छे तो थारा का जब भी बेटा ने काटर गाल देख जब तो यो खा ले, अरे यो खाया बाद के मायने मैं भोजन करा, अर तू हाना को जल्दी जवाब दे नहीं मैं आगे जावा। तो देखो कहीं खेच पे बाबा जी राजा मोर दजन
माँ से पहली सिंह बली को भोजन जल्दी आवे, माँ से पहली सिंह बली को भोजन जल्दी आवे। अजी बकरा भैंसा अभी कटा दू नौकर बेगो ल्यावे, बकरा भैंसा अभी कटा दू नौकर बेगो ल्यावे। सिंह हटी लो मारो राजा यहाँ को मांस ना खावे, सिंह हटी लो मां को राजा यहाँ को मांस ना खावे। और अगर जिमाणू है तो क्यों ने थारा कंवर ने चिरवावे, अगर जिमाणो हो तो क्यों थारा पुत्र में तिरवावे। हो खावे सिंह जबी अंधारी ने मारी साथ में, हो मारी साथ में, ए मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी। और खावे सिंह जबी अंधारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने। कृष्ण कहे अर्जुन अवतारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने। बोलो शंकर भगवान की जय। थारा बेटा ने काटर गाल देख जब तो खा ले नार नहीं कौन खा तो की महाराज आप दो मिनट ते खड़ा रहो, मैं महल में जा हर मारी पद्मा रानी से दो बात करू। जा तो जा जल्दी आ जे, लेकिन राजा मोरदज पद्मा रानी के पास में जा रोबा लाग जाए। रानी देखकर बोली कि पति देव आज काई बात हुई महाराज, कुछ बोल रिया भी कौन है, अर्था के आंखिया में आंसू आ रहा जते तो रो रिया जो महाराज, बोलो काई बात हुई। किले रानी दो साधु दरबार के ऊपर आया हुई आज है, हर मैं तो माने एक बहुत जोरदार वचन दिए। बोलो पति दे सुनो जी काई वचन दिया या कि रानी तुम मना कर दे तो कि पति दे मैं पतिव्रता औरत छु, जते मारा प्राण भी मांगो ने तो था का खैबा की डील छे देबा की डील को। तो रानी के ते बस सातवा की सात के मायने एक नार थे जो वो बकरा भैंसा को मांस को न खाए। बाबा जी यह बात कही जाए कचे थारा बेटा ने काट गाल दे जब तो खा ले। तो आखिर में राजा की रानी थी चतुर थी भगवान की भक्त थी, ज्ञान छो रानी के मायने कि संसार में कोई सारी को ने इस संसार में जन्म ले हर कोई नाम ने कमायो ने तो अया समझ लेनु चाहिए क्यों ही को न कमायो। अगर मातो काट देबा से भी अमर नाम रह जाए तो यो तो बहुत ही सस्तो सुंदर काम छे, क्योंकि यो मृत्यु लोग छे मरणो तो भी यहां भी पड़े लो। जन्म ले लियो ने जिन मरणो भी पड़े लो। तो कहो पति देव कोई बात की चिंता मत करो, अपना बेटा ने काट अरवी नार ने गाल दियो। तो राजा मोरधज के आत्मा में खुशी हुई कि भगवान कोई के लुगाई भी वे ने तो अया की वे जो मर्द की बात हम रख ले। रानी थारी मारी बात तो पक्की होगी पर जे आपनु बेटो नट जाए तो यह सबसे बुरी हो जाए। हाँ जी रानी तने पूछ लियो अब कंवर से बतलाऊं, रानी तने पूछ लियो अब कंवर से बतलाऊं। बेटा थारो मां सिंह ने चावे रतन कंवर फरमाऊं, बेटा थारो मां सिंह ने चावे रतन कंवर फरमाऊं। ते नहीं उधारो लाया पिता दी थाने क्यों नट जाऊं, नहीं उधारो लाया पिता दी थाने क्यों नट जाऊं। जाओ खाती कैसे क्रोध मंगावो ना कर जल्दी आऊं, खाती कैसे क्रोध मंगावो ना कर बेगो आऊं। हो जाऊं मौज आज ले सारी।
भगत खिलारी ने देख दे भगत खिलारी ने कृष्ण करे अर्जुन अवतारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलारी ने भगवान की जय। तो राजा मूड़ दजी बेटा कन जा रूबा लागो सात वर्ष को छो चौक के मैं ना आंगड़ा में खेल रियो छो मिट्टी का खिलौना से हाथ पगे गारा के मैं हो रहा था कीचड़ का दम हो रहा था टाबरा का तो यही काम पर देखो नारा के नारी पैदा हो जे नार के तो नारी है जेक पैदा गादड़ा को नोवो करे तो राजा पास में जार रोबा लागो रतन कमर देकर कहचे कि पिताजी रोजीना तो थे मैंने हसर गोदी में ले ले जा खेलता कन आ जाए जा ने जना मैंने गोदी में ले ले जा कादा की चड़का हाथ पगुएड़ा नहीं रोजीना तो ते मैंने असर गोदी में ले जा मारा लाड प्यार करे जा आज तो था आंखें में आंसू आ रहा चेहरे थे तो बोल रहा भी बोलो कहीं बात हुई क्या रो जो थे कि बेटा दो साधु दरबार के ऊपर आकर मैं तो बाने एक बहुत जोरदार वचन दिया है बोलो कि बेटा तुम मना कर दे तो ओ कि पिताजी थे कहीं मैंने उधारो थोड़ी ले रहे हैं जो अगर थे मारा प्राण भी मांगो ने तो ताका खेबा की देर जाए देबा की देर को तो कहते बेटा वह साधुओं की साथ चाहिए नार जाए शेर जाए सिंह जाए जो बे बाबा जी यह बात कही जाए कि वो बकरा भैंसा को मांस को नुखाए नार थारा बेटा ने काटर गाल दी यह बात कह देनी तो कह पिताजी कोई बात की चिंता मत करो था को इस संसार के मान अमर नाम हो जाए जो सारो संसार काल को कले हो जाए जो भी कुछ आप आंख्या से देख रहा था न काल सब कुछ खा जाए लो एक न एक दिन बड़ा बड़ा पर्वतों को भी अंत हो जाए पर नाम ने काल को न खा सके नाम ने कहा खाए तो पिताजी था को संसार में नाम अमर हो जाए लो कोई बात की चिंता मत करो मैं ना दो रहूं चू न पतो नार मारसो नफरत कर ले आरते खाती कर सक्रोती मंगा लियो तो देखो आया का कोई के बेटा भी कौन होना बटीन सु खाती कर सक्रोत आ जाए जे हर रतन कमर नह दो हर चौकी को ऊपर आर बैठ जाए भगवान देकर खेजे राजा ने कि ले राजा बात सुन यो नार आया कौन खाए लो थे राजा रानी माँ बाप खुद था का हाथा से काट रगा लो लागी ने जद खाई लो अरे एक बात और सुन ले इन्हें चीरिया बात के मायने अगर कोई आंसू बवा दियो तो थारी नगर भीतर में थाराई नगर भीतर के मान अनपाणी बक्षण कौन करा ला सो समझ बाद में काट जी तो महाराज राजा हां कर लेनी तो एक आत्मा की चीज ने काटबा आटे माँ बाप हाथ में क्रोधी उठा जीते में मोरागढ़ नगरी का सभी लोग बाग रोबा लागा जनता के मायने हाहाकार माच को अरे की माँ का राजा रानी बोला जे अरे बाबा जी ने
कोई हत्या राज है मां का राजा गई एक ही बेटो जो जी आज भी ने खत्म कर रिया जे विन काटर नार ने गाल रिया जे भगवान देखकर कहजे कि राजा ठहर थारी नगरी तो बहुत दुखी रोरी च सारी नगरी तो थारी नगरी का लोगों ने मना कर पहली नहीं चीरे बाद के मायने कोई का भी आंख में आंसू देख लियो तो मैं अनपानी भक्षण कौन कराला भोजन कौन कराला था सो समझर काम कर तो महाराज राजा रानी खड़ा है और सब नगरी का लोगों ने इकट्ठा कर लिया। पहले का समय में जनसंख्या कम थी यानी काम का आदमी पैदा हो जा, आज का समय में जनसंख्या ज्यादा छे लेकिन बिना काम का ज्यादा छे, काम का कोई गिनती का ही छे। हर पहली सभी काम का ही काम का पैदा हो जा, बिना काम का तो पैदा ही कौन हो जा। तो छोटी सी नगरी थी, सब लोग बाग इकट्ठा होगा तो राजा रानी हाथ जोड़ रखे जे की महाराज मेमा का बेटा ने काटरी नार ने गाला गाला जा थे कोई आंसू बतबवा जो नहीं मारी भक्ति के दाग लाग जाए लो ये साधु मां का द्वार से भूखा चले जाए ला। मैं था को अर्थे मारा तो एक काम करो था के हकीकत में आत्मा में दुख छे तो रामधुनी चालू कर दे और अनेक प्रकार का दान पुण्य चालू कर दो। कबूतरा ने जवार, कीड़िया ने कीड़ी नगरो, मोरिया ने मोर चुगो, गाया ने घास, यानी अनेक प्रकार का दान जाए। शास्त्र में यह बताई जे कि दान विपत्तियों को खा जाता है, दान करवा से दुख दूर हो जाए कि दान करिया से धन मिले। अगर कोई ने दान धन चाहिए तो दान करो श्रद्धा अनुसार बनती मावे जस्यो, यानी मन सुन काम करो लाग तो प्रश्न को उत्तर प्रश्न में ही छुप बैठो जे मनो कामना यानी मन सुन काम कर जो तो था की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो दान करिया से धन मिले और गुरु करिया सु ज्ञान, सेवा से मेवा मिले और भजन करिया भगवान। तो साहब घर घर में राम दुनिया चालू होगी साहब और अनेक प्रकार का दान पुण्य भी दिन से ही चालू थे साहब। तो अम्मा बाप से जो हाथ में करोटी उठावे जे और देखो बेटा न चीरे अजी खाती कैसे क्रोध मंगाई हर बोले हर बार, खाती कैसे क्रोध मंगाई हर बोले हर बार, अजी भी रतन कंवर के धरी शीश पर वो बैठो हर साई, रतन कंवर के धरी शीश पर वो बैठो हर साई, अर खर खर खेच दीवी की दो लीर दी डार, खर खर खेच बी की करती नी दो डार, जद भी अर्जुन की काया थर्राई भवे खून की दार, अर्जुन की काया थर्राई भवे खून की धार, बारंबार कवे बलिहारी ने मारी साथ में जय हो जय हो, मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी, बारंबार कवे बलिहारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी, कृष्ण कहे अर्जुन उतारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत खिलाड़ी ने, भगत शंकर भगवान की।
खाती कैसे क्रोत मंगाई हर बोले हर बार जान बंडिन चले वो तू मत बोल जी खाती कैसे क्रोत मंगाई हर बोले हर बार भी रतन कंवर के दरी शीश पर वो बैठे हर सार खर खर खैच दीवी की दो लीर दी डार जद भी अर्जुन की काया थर्राई बहवे खून की धार बारंबार कवे बलिहारी ने मारी साथ में चाल दिखाऊं भगत किलारी ने तो साहब काट दो लीर कर दीनी जीते में अर्जुन की आत्मा भी थर 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 हाज बलगी अरे की भगवान आचो भगत दिखाए आके एक ही बेटो जो और आका ही हाथ से इन्हें खत्म करवा दी बड़ी अन्याय कर दीनी अया मनी मन में सोच रही अब भगवान राजा ने देख रखे चले राजा आदि लीर ने तो नारायण पटक दे आदि खाए लो और आदि ने थारे मेल में ले जा रहे मेल दे जट तू सोबो करे जन जट और रानी ने खेजे कि रानी अब तू मां के वास्ते चूरमु बाटी दाल बना ले और अर्जुन ने खेजे कि अर्जुन अब तू देखा धीरे धीरे अया टेल तो जा राजा रानी की निगरानी राख देखा ये बेटा तई रोवे गई जा तो अर्जुन मनी मन में सोच रहे कि भगवान भी देखो अब ये रोए ना तो कहीं सहला थोड़ी जो भगवान भी कहीं बात कह रहा है पर भगवान की आज्ञा को पालन करनो छो अर्जुन वापिस आर भगवान ने कहे कि भगवान राजा मोर दज के तो एक बाई आंख में आंसू आ रही और रानी के दोनी आंखें में आंसू आ रहा है रानी रो रही जो भगवान भगवान आपका खट तुम्हें चिमटा कमंडल उठा हर की लेवाई अर्जुन अभी नगर भीतर में अनपानी भक्षण कौन कर वो दूषित हो चुके हो आपने खावा लायक कौन राजा रानी बाग राडा फिर गा की महाराज माँ का बेटा ने भी खत्म करवा दियो महाराज अर्थे माँ का द्वार से भूखा जा रहा चो महाराज किले राजा तू तो थारा बेटा वास्ते रोबा लाग गो तन पहली मना कर दियो कि भगवान महाराज मारी भी तो बात सुनो महाराज आदि लीर ने तो थे जो दैणु अंग छो ने मारा बेटा को आदि लीर ने तो थे नार न गाल दीनी नार वास्ते ही तो काट्यो छो ने और आदि ने थे मारा मेल में क्यों मिलवा दी यो बाया बायो अंग छो ने बेटा को या मारे काई काम माउली थे मारा मेल में क्यों मिलवाई तो ई कारण से एक बाई आंख में आंसू आगो कि वो बायो अंग की लीर के न जाने काई पाप छो काई दाग की ची जिन नारण कौन गाली अच्छा की थारी बात तो ठीक चल लेकिन रानी तू तो बेटा तई रोई थर तो धोनी आ क्या आंसू आ रहा राजा मोड़ दस बीच में बात काट रखे छे कि सुनो महाराज मारी रानी बेटा तई कौन रोई ते सारी दुनिया में कोई ने भी पूछ लियो रसोई के मायने दुआ को काम रहे छे चूरमुट बाटी दाल मनारी चीखता कहते आया जगरो लगार तो दुआ का कारण से रानी के आंखें में आंसू आ गए कोई ने भी पूछ लियो रसोई में तो दुआ को काम रह जाए हर दुआ सु आंखें में आंसू आई जाए तो मारी रानी बेटा ताई को नरोई तो बात तो गलत थी पर मोरदज राजा आया की बात कही कि भगवान ने माननी पड़ी सांची कि बात सही जे रसोई में तो दुआ का कारण सो आंखें में आंसू आई जाए जे टक्कर में अहिया की मिली बात अच्छा किले राजा थारी बात सही अब मैं भोजन कर लाला एक काम कर पांच जगह पातल दूना लगा दे पांच पनवाड़ा यानी पांच जगह पांच जना का कि महाराज पांच जना कौन
कि दो तो में साधु और दो थे राजा रानी और एक थारा बेटा रतन कंवर को। और अब ये काम कर, महल में जा और जोर से आवाज लगा थारा बेटा ने, अठे बैठे हुए मैं भी सुना और थारा बेटा ने बुला जो आप भोजन करा सबका सब। राजा के आत्मा में बड़ो दुखी हो रहे, कोई साधु चे हत्यारा मारा हाथा से मारा बेटा ने काट दियो। हर मन काई कहे तू कि भी ने लो देर बुला। महाराज अया खेबा से तो आत्मा में और भी ज्यादा दुख हो जाए, अया की बात मत करो महाराज, आप भोजन जी मिले। भगवान अर्जुन ने खेचे कहे अर्जुन अपनी आज्ञा को पालन कौन कर रही है, आप भोजन कौन जी मा तो खड़ा हुआ तो तुम ही चिमटा कमंडल उठा और जावा लगे कहे ये चल दिया। रानी देकर बोली कि पति दे जब खत्म ही कर दियो अपना बेटा ने तो आवाज लगावे में कहीं लाग गो, जब खत्म ही कर दियो भी ने तो आवाज लगावे में कहीं लाग गो। ए बाबा जी भूखा चले जाएगा कि महाराज ठहरो। तो ठहर जाए जे दोनों साधु रुका। राजा मोड़ दज भी महल में जा और बेटा ने आवाज लगावे जे दरवाजा में खड़ो है। ले बेटा तू जठे भी खटावे और सुनतो है तो बेटा मारे से बोल जे, ने साधु आज मारा दरबार से भूखा चले जाए ला मारा द्वार से, मारी भक्ति के दाग लाग जाए लो। अर बेटा अब तू न आवे लो तो मैं वापिस बाबा जी को कौन जाऊ, मैं तो आत्महत्या कर अठे के अठे ही खत्म हो जाऊंगा। तो देखो बेटा ने आवाज लगावे जे राजा मौर्धज रतन कंवर।
सी प्रिया बाई की तरफ से एक सौ गरीब हर मारा बेटा रतन सी प्रिया बाई की तरफ से एक सौ गिरी रंग मैल सुना पड़ा जी रंग मैल सुना पड़ा जी रंग मैल सुना पड़ा जी हर बार का गमंड के लिए वो चमत्कार दिखाणु जो भी को गर्व निवाणु जो भी का अभिमान ने ठंडो करणु जो तो राजा मोड़ धजन इती आवाज लगाता है रतन कंवर बहागर राजा मोड़ धज की गोदी में चढ़ जाए राजा पागल की जिया वो गो की भगवान मैं मारा हाथा से काट दियो जो इन्हें हर में कोई पागल तो न होगो मन कोई सपनो तो न आगो जो मारी गोदी में कहीं जाए हर रतन कमर कहीं खेरियो जाए
अजी रतन कंवर जब रंग महल से तुरंत दौड़ कर आया, रतन कंवर जब रंग महल से तुरंत दौड़ कर आया, बाजी माई आयो जीत कर पिताजी सात्या ने घना हराया, बाजी माई आयो जीत कर पिताजी सात्या ने घना हराया, जाको कई पोत करो छोरा के मन जीत ना पाया, कई पोत करायो छोरा के मन जीत नहीं पाया, अर सिर पर चीरा रतन कंवर के कंचन भरणी काया, सिर पर चीरा रतन कंवर के कंचन भरणी काया, हो माया रच दीवी गिरधारी ने मारी साथ में, जय हो जय हो मारी साथ में। उतर रहे थे तो भगवान आपको साक्षात चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। राजा रानी चरणा के मान गिर जाए थे, भगवान के भी आंखों में आंसू आ गए। हे राजा आया का मारा धरती को ऊपर भगत को नोड़ा कि थारी आत्मा की चीज ने थारा हाथ से काट देनी। जा राजा जब तक धरती आसमान रहला ने जब ताई थारो संसार में नाम अमर रहे, अर तू 100 वरदान मांगे तो 100 वरदान भी तैयार जे कोई वरदान मांग कि भगवान मन तो एक ही वरदान की जरूरी है, मांग कहते ले आओ वचन दियो तो भगवान वचन दे दीजे कि भगवान जी प्रकार से थे मारी परीक्षा ली ने वी प्रकार से अब आगे के लिए कोई भी भक्त की परीक्षा मत लीजिए ने, नहीं था कोई थोड़ो बहुत नाम ले जाए भी नाम ने और छोड़ देला। तो राजा मोरदज के मुकाबले बया तो भक्त अपनी अपनी जगह सभी बढ़ा जाए लेकिन राजा मोरदज के मुकाबले भी कोई भक्त को नहीं। भगवान स्वयं स्वयं स्वीकार करे जाए आपका मुकुट को नाम भी पहली मुकुटी छो फेर कर दियो मोर मुकुट। अर भगवान का मुकुट के ऊपर वो मोर को चंद वो जरूर है जे तो भगवान मोरधज राजा को सम्मान करियो। भगवान साई कवि की अर्जी महारा भी सुन टेवा, भगवान साई कवि की अर्जी महारा भी सुन टेवा, अजी घर माई सुख संपत कर जो भक्ति भाव का मेवा, घर माई सुख संपत भर जो भक्ति भाव का मेवा, याद करूं जद आजो स्वामी मति काट जो केवा, याद करूं जद आजो स्वामी मति काट जो केवा, अर घट में तगड़ो ध्यान अपर बल छे चरणा की सेवा, घट में तगड़ो ध्यान अपर बल छे चरणा की सेवा, मारा गुरु गणेश को ध्यान कभी ना छोड़ू लोर ने पिताजी, हो पिताजी मारा मारा गुरु गणेश को ध्यान कभी ना छोड़ू लोर ने पिताजी मारा भक्त और भगवान की जय।